Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the basics of research, and we are going to discuss about different types of research. तो आज हम different types of research के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से आपको सारे basic details research के बारे में clear हो जाएंगे. तो research को यहाँ पे मैंने बहुत सारे types में divide किया है. The number one is types of research on the basis of objective. So we have objective-based research. Objective-based research में descriptive research आता है, descriptive, correlational, explanatory, exploratory and experimental. But फिलहाल हम discuss करने वाले हैं objective research. Objective-based research में सबसे पहला जो है, that is called as descriptive research. Descriptive research के अंदर 3 points है. One is called as ex post facto research. The second one is the historical research, and the third one is analytical research. तो आपको ये ध्यान देना है accordingly कि किस बेस पे कौन से points cover up होने वाले हैं. तो this is the basic related to the calculation कि आपको जो research आएगा वो सबसे पहला जो research है that will be related with objective base. तो अभी first हम बात करने वाले हैं descriptive research के बारे में कि descriptive research क्या होता है. Descriptive research के अंदर 3 points we have, that is ex post facto, historical research, analytical research. तो सबसे पहला जो है that is called as descriptive research. It is concerned with finding out what is or what was. ये जो descriptive research है ये बेसिकली दो चीज़ों पे फोकस करता है, सर्वेज एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स. और इसमें क्या होता है, इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें रिसर्चर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है वेरिएबल्स के ऊपर, वो सिर्फ यही रिपोर्ट करता है कि क्या हुआ है. देखो जो यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट हैज़ हैपेंड और व्हाट इज़ हैपनिंग. सो बेसिकली रिसर्चर यहाँ पे रिपोर्ट करता है ओनली दैट थिंग्स व्हाट हैज़ हैपेंड और व्हाट इज़ हैपनिंग. उसमें कोई भी चीज़ों पे उसका कंट्रोल नहीं होता है, दैट इज़ वेरिएबल्स पे उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, और यहाँ पे कोई भी चीज़ें मैनिपुलेट नहीं होती है. बेसिकली जो जो है, जो जो चीज़ें हुई है उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाएगा. दैट इज़ द इट इज़ कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं जिससे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किया जा सकता है. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, फिर हिस्टोरिकल रिसर्च है और एनालिटिकल रिसर्च भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे. सो वी हैव एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का सिंपल मीनिंग बताओ तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च ऐसा रिसर्च होता है जो एक्टिविटीज़ जो हमारी हुई है उसके बाद किया जाता है. तो जो भी पॉइंट्स हुए हैं उसके बाद अगर कोई रिसर्च किया जाए तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स, तो जो भी इवेंट्स है वो होने के बाद उसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा, तो उसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोलते हैं. दैट इज़ व्हाई इट इज़ अ सिस्टमैटिक एम्पिरिकल इंक्वायरी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एंड एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. तो दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं इन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का सिंपल मीनिंग अगर याद रखना होगा तो उसमें हम ऐसे याद रख सकते हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है वो रिसर्च सारे इवेंट्स के बाद होगा. तो ऑल द इवेंट्स हैपेंड उसके बाद अगर कोई रिसर्च होता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज एम्पिरिकल इंक्वायरी. तो ये एम्पिरिकल इंक्वायरी के ऊपर बेस होता है, और इसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, जो ग्रुप में स्टडी होता है, जो पर्टिकुलर स्टडी होता है, उसके लिए भी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च काम में आता है. द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल रिसर्च. देखो नाम ही हिस्टोरिकल है. हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब होता है कि ऐसे इवेंट्स जो पास्ट में हुए थे उसके ऊपर हम कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं.
तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल. तो हिस्टोरिकल में आपको ये बेसिक पॉइंट याद रखना है, अ प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इंक्वायरी इन टू द पास्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सच इवेंट्स. तो जो जो इवेंट्स पास्ट में हुए हैं उसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च बोलेंगे. जैसे कि हमने ट्राइबल कम्युनिटी जो है इंडिया में उसके बेटरमेंट के लिए सॉल्यूशंस ढूंढना चाहा, तो वी आर ऑलरेडी नोइंग दैट कि ट्राइबल कम्युनिटी जो है, ट्राइबल कम्युनिटी को प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं रिगार्डिंग द इनकम. अब इनके बेटरमेंट के लिए हमने अगर कुछ सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए कुछ रिसर्च किया तो दैट इज़ बीन कॉल्ड एज हिस्टोरिकल रिसर्च. तो ऐसे रिसर्च को क्या बोला जाएगा, हिस्टोरिकल रिसर्च. तो हिस्टोरिकल में आपको इतना याद रखना है कि पास्ट इवेंट्स पे जो भी इवेंट्स ऑकर हुए हैं उसके ऊपर हम फोकस करेंगे और उसी के ऊपर से डिटेल्स लिए जाएंगे. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव बेस, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव है वो है एनालिटिकल रिसर्च. देखो एनालिटिकल का मतलब होता है एनालिसिस करना. सो एनालिटिकल रिसर्च में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च द रिसर्चर यूजेस फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन विच आर ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालाइज दिस. तो इसमें डेटाज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, डेटा हमारे पास अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, और उसी इंफॉर्मेशन को लेके हम एनालाइज करेंगे टू मेक अ क्रिटिकल इवेल्युएशन. और वो जो इन्फॉर्मेशन है उससे हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, और एनालिसिस करने के बाद हम ये देखेंगे कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको एक्चुअली प्रॉपरली यूज़ किया है कि नहीं. इसमें क्या होता है, रिसर्चर जो है हाइपोथेसिस फ्रेम करता है. तो हाइपोथेसिस इसमें फ्रेम्ड किया जाता है, और हाइपोथेसिस फ्रेम करने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा अवेलेबल. तो ये टाइप का रिसर्च को क्या बोला जाएगा, एनालिटिकल रिसर्च. तो सबसे पहला था ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च. ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च में नंबर वन वॉज डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव में तीन पॉइंट्स आते हैं, एक्सपोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल और एनालिटिकल. अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्टिव बेस में जो डिस्क्रिप्टिव था उसमें तीन पॉइंट्स हो गए. अब नेक्स्ट रिसर्च इज कोरिलेशनल रिसर्च. देखो कोरिलेशनल रिसर्च नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि जो रिलेशनशिप मेजर करता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. दो और मोर वेरिएबल्स के बीच में अगर कुछ रिलेशनशिप मेजर किया जाएगा तो कोरिलेशन ढूंढा जाएगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कोरिलेशन रिसर्च. इसमें ऑर्डिनल स्केल यूज किया जाता है मेजरमेंट के लिए. तो पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन की बातें यहाँ पे होती है. जैसे अगर ए और बी दो वेरिएबल है हमारे पास, ए अगर इंक्रीज होगा तो बी भी इंक्रीज होगा. तो अगर ये केस है तो दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कोरिलेशन. और अगर ए इंक्रीज होगा और बी अगर डिक्रीज होगा तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन. तो कोरिलेशनल रिसर्च में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सो दैट यू कैन रिमेंबर व्हाइल राइटिंग द आंसर, दैट कि ये क्या करता है. दिस टाइप ऑफ रिसर्च में बेसिकली क्या होता है कि रिलेशनशिप हम ढूंढेंगे बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. दो से ज़्यादा वेरिएबल्स में अगर रिलेशनशिप ढूंढेंगे तो उसको बोला जाएगा कोरिलेशनल रिसर्च. नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. एक्सप्लेनेटरी रिसर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नॉर्मली एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी में कन्फ्यूजन होता है. तो इसलिए मैंने बेसिक पॉइंट यहाँ पे लिखा, इट इज़ कंडक्टेड फॉर दोज प्रॉब्लम्स विच हैव नॉट बीन रिसर्च बिफोर. तो ऐसे प्रॉब्लम्स जिसके ऊपर पहले कोई भी रिसर्च किया गया नहीं है, उस टाइप के रिसर्च को अगर हम करेंगे तो उसको बोला जाएगा एक्सप्लेनेटरी. मतलब हम एक्सप्लेनेशंस ढूंढेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम्स. तो इसमें आपको बेसिक चीज़ क्या याद रखना है, इट इज़ कंडक्टेड फॉर दोज प्रॉब्लम्स विच हैव नॉट बीन रिसर्च बिफोर. तो ऐसे प्रॉब्लम्स जो पहले रिसर्च नहीं हुए हैं उसको हम एक्सप्लेनेटरी बोलेंगे. और इसी से रिलेटेड एक दूसरा रिसर्च है विच इज़ कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी. एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है ऐसे प्रॉब्लम्स जो पहले आइडेंटिफाई तो किए गए हैं, जिसपे कुछ रिसर्च भी हुए हैं, लेकिन ये जो रिसर्च पहले हुए हैं उन रिसर्च को हमें ध्यान रखना है कि उन रिसर्च से और अच्छे कंक्लूजन्स कैसे बने. तो वी विल बी एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर डेटा. तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहले रिसर्च किए गए हैं उसको ध्यान से देखेंगे, उसके कंक्लूजन्स को देखेंगे,
और उसको एक्सप्लोर करने का के बेसिस पे इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया जाएगा. सो ऑलरेडी जो रिसर्च हुए गए हैं, ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स ऑकर हुए गए हैं, उसके ऊपर और डिटेल में रिसर्च करना और डिटेल में एक्सप्लोर करना, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. तो इसके पहले कौन सा पढ़ा था हमने? एक्सप्लेनेटरी. एक्सप्लेनेटरी में क्या होता है? ऐसे रिसर्च किए जाते हैं जो ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें आइडेंटिफाई नहीं है, जो जिसके ऊपर पहले रिसर्च नहीं हुए हैं. दैट इज़ वाई विल बी फाइंडिंग आउट दोज प्रॉब्लम्स विच हैव नॉट बीन रिसर्च बिफोर. और एक्सप्लोरेटरी का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऐसे रिसर्च होते हैं जो ऑलरेडी आइडेंटिफाई हुए तो है बेसिस पे, लेकिन उसी पे और एनालिसिस करना और उसको इवेल्युएट करना और अच्छा कंक्लूजन ड्रॉ करना, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लोरेटरी. नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है? तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या ढूंढते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो वी आर फाइंडिंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल और वन इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट. हम एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल का उसके ऊपर इफेक्ट देखते हैं. तो दैट इज़ वाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे कौन सा रिसर्च यूज़ होगा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द मेन पर्पस ऑफ दिस रिसर्च इज टू स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रिगार्डिंग दी पॉइंट्स. तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. तो ये थे पांच टाइप ऑफ रिसर्च इन द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस. तो क्विकली थोड़ा रिवाइज करते. ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च में सबसे पहला था डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव में एक्स पोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल और एनालिटिकल. फिर ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च में सेकेंड टाइप है कोरिलेशनल, थर्ड है एक्सप्लेनेटरी, फोर्थ है एक्सप्लोरेटरी और फिफ्थ टाइप है एक्सपेरिमेंटल. अब हम सेकेंड टाइप में जाएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च. तो ये छोटे छोटे एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च में सबसे पहला है बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च. तो इसके लिए आपको एक ही वर्ड याद रखना है, थियोरी बिल्डिंग. सो ऐसे रिसर्च जिससे हम कोई इन्फॉर्मेशन से थियोरी बिल्ड करते हैं. देखो यहाँ पे मैंने कलर चेंज करके भी आपको दिया है, दैट इज कॉल्ड एनहांसिंग थियोरी. सो थियोरी बिल्डिंग रिसर्च बोला तो कौन सा रिसर्च होगा? फंडामेंटल रिसर्च. तो ये आपको एक बेसिक पॉइंट याद रखना है. नेक्स्ट इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम. तो अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च ऐसे दो पॉइंट्स आते हैं. अप्लाइड रिसर्च के बेसिस पे जो पॉइंट्स है वही एक्शन रिसर्च से रिलेटेड है. इट इज़ कंडक्टेड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और सोसाइटी. तो ये रिसर्च कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड ही होता है. तो अगर आपका कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर कोई रिसर्च हम यूज़ करेंगे, विच इज़ कॉल्ड एज अप्लाइड रिसर्च. तो अप्लाइड रिसर्च के अंदर ही एक पॉइंट आता है विच इज़ कॉल्ड एज एक्शन रिसर्च, इमीडिएट सॉल्यूशन. अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम अराइज हुआ और उसका इमीडिएट सॉल्यूशन आप अगर फाइंड कर रहे हैं, तो उस टाइप के रिसर्च को क्या बोला जाएगा? एक्शन एक्शन रिसर्च. एंड अप्लाइड रिसर्च इज ऑल्सो सिमिलर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और सोसाइटी. देन द नेक्स्ट इज लॉजिक बेस्ड रिसर्च. लॉजिक बेस्ड में दो आता है, इंडक्टिव रिसर्च एंड डिडक्टिव रिसर्च. अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिसर्च है. डिडक्टिव रिसर्च और इंडक्टिव रिसर्च में याद रखना है आपको, डिडक्टिव रिसर्च में हम जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे. जनरल टू स्पेसिफिक मतलब हमारे पास ऑलरेडी एक थियोरी होगा और वो थियोरी से हम हाइपोथेसिस बिल्डअप करके स्पेसिफिक कंक्लूजन्स तक जाएंगे. ये हमारा डिडक्टिव रिसर्च है. और इंडक्टिव रिसर्च में हम जाएंगे स्पेसिफिक टू जनरल. तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक टू जनरल जाएंगे, मतलब हम कुछ हमारे पास कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगी, उस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन से हम क्या करेंगे? थियोरी तक जाएंगे या उसको जनरलाइज करेंगे. तो बेसिकली इंडक्टिव रिसर्च जो है वो नीचे से ऊपर जाता है. तो इंडक्टिव रिसर्च क्या करता है? नीचे से ऊपर जाता है, इसलिए इसको बॉटम अप अप्रोच बोला जाता है इंडक्टिव. और डिडक्टिव रिसर्च क्या है? ऊपर से नीचे आता है, इसलिए उसको टॉप बॉटम अप्रोच बोला जाता है. ये डिडक्टिव है, ये इंडक्टिव है. सो इंडक्टिव रिसर्च क्या होता है? इंडक्टिव रिसर्च में हम
स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से जनरल इंफॉर्मेशन तक जाएंगे. जनरल का मतलब होता है हम उस इंफॉर्मेशन को जनरलाइज करेंगे, मतलब स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन है उससे थियोरी बिल्टअप हो जाएगा, थियोरी से रिलेटेड जाएंगे, जनरलाइज कर लेंगे. और डिडक्टिव रिसर्च क्या होता है, डिडक्टिव रिसर्च में हम जनरल टू स्पेसिफिक, ऑलरेडी हमारे पास थियोरी है उस थियोरी से हम हमारे इंफॉर्मेशन को मैच करेंगे और स्पेसिफिक उसका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. देन द लास्ट पार्ट इज फॉर्मेशन बेस्ड रिसर्च. फॉर्मेशन बेस्ड रिसर्च में क्या होता है, दो टाइप के रिसर्च है इसमें, अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड. तो अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च है, इन दिस टाइप, इन दिस रिसर्च द प्रॉब्लम विच हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड इज नॉट प्री डिटरमाइंड रादर देन स्पॉन्टेनियस. तो ऐसे प्रॉब्लम जो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड नहीं है, स्पॉन्टेनियस है, तो उस बेस पे अगर हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च. तो अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च में हम स्ट्रक्चर्ड वे से कुछ भी पॉइंट्स को अचीव नहीं करेंगे, वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा बिकॉज हमें पहले से प्रॉब्लम्स का, प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई होने वाले हैं उसका पता ही नहीं है. तो दैट इज़ वाई प्रॉब्लम जो रहने वाला है स्पॉन्टेनियस होगा, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च. नेक्स्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड रिसर्च. द स्ट्रक्चर रिसर्च में क्या होता है, द रिसर्चर गैदर्स डेटा विदाउट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट विद द पार्टिसिपेंट्स. तो पहले ही डेटा को कलेक्ट किया जाता है पार्टिसिपेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के बिना. तो ऐसे टाइप के रिसर्च को क्या बोला जाएगा, विच इज़ कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड रिसर्च. ये लास्ट के दो जो ये है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन बेस्ड रिसर्च भी डाला हुआ है. तो दीज आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ रिसर्च अकॉर्डिंग टू द रिसर्च मेथोडोलॉजी चैप्टर एज कंसर्न. बिकॉज रिसर्च के टाइप्स आपको पढ़ने में बहुत ही सिंपल लगते हैं, लेकिन जब आप उसको याद रखना चाहते हैं तो थोड़े डिफिकल्ट बन जाते हैं एग्जाम में लिखने के लिए. आपको बेसिक चीज़ें अगर पता रहेगी तो आप उससे रिलेटेड पॉइंट्स को एनालाइज कर पाएंगे. थोड़ा क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ. ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च में सबसे पहला था डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव में तीन थे, एक्सपोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल और एनालिटिकल. ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च में सबसे पहला था डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव के बाद सेकेंड है कोरिलेशनल, फिर है एक्सप्लेनेटरी, फिर है एक्सप्लोरेटरी और लास्ट में है एक्सपेरिमेंटल. फिर हमने पढ़ा एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च. एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च में सबसे पहला था फंडामेंटल, दैट इज़ बेसिक रिसर्च, और सेकेंड था अप्लाइड रिसर्च. फिर लॉजिक बेस्ड रिसर्च में हमने पढ़ा डिडक्टिव रिसर्च एंड इंडक्टिव रिसर्च. फिर फॉर्मेशन बेस्ड रिसर्च में अभी मैंने आपको दो बताए, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड. दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और आपके रिसर्च के डाउट्स अगर क्लियर हुए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना. किसी स्पेसिफिक पॉइंट्स में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है सो दैट आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन वहाँ पर भी मिल जाए. और इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब करो लास्ट मिनट रिविजन विद RSM एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.